या गायकों को या तबले वालों को बाल बढ़ाना जरूरी है क्या? मतलब लंबे लंबे बाल रखना और घुंघराले बाल रखना, ये जरूरी है क्या? ऐसा नहीं, अपनी कला पर ज्यादा फोकस करें। ऐसा नहीं है कि आडंबर करने से आपकी कला निखर जाएगी, नहीं, बिल्कुल इनका असर कला पर नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। कला जो है वो रियाज से, साधना से, गुरु की कृपा से, समर्पण से, उसी से आती है, इस सबसे नहीं आती। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। ये क्या कि सब से बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या कि सब से बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको न मोहब्बतें करनी, ये क्या के सब से बयां। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का YouTube चैनल। आज का जो सवाल है, आज का जो टॉपिक है, वो कुछ थोड़ा फनी भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ज़्यादातर कलाकारों का, हमारे संगीतकारों का ये सवाल है। और इसमें गायक भी आ जाते हैं, तबला वादक भी आ जाते हैं, हारमोनियम भी वाले आ जाते हैं, और ज़्यादातर आते हैं इसमें तबले वाले और गाने वाले, क्योंकि ये सवाल है क्या संगीतकारों को, गायन करने वालों को या गायकों को या तबले वालों को बाल बढ़ाना ज़रूरी है क्या? मतलब लंबे लंबे बाल रखना और घुंघराले बाल रखना, ये ज़रूरी है क्या? क्योंकि आपने बहुत सारे कलाकारों को देखा होगा, उनका एक लुक होता है, वो कुर्ते पजामे में रहते हैं या बड़े बड़े बाल होंगे, कर्ली हेयर होंगे उनके, है ना। तो ये कुछ लुक हैं जिनको हम संगीत में एस्थेटिक्स भी कहते हैं। एस्थेटिक्स यानी साज सज्जा होती है। तो शरीर की कैसी साज सज्जा एक कलाकार को रखनी चाहिए, तो उसके कुछ हमारे कॉमन नोशंस हमारे सामने रहते हैं, हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बड़े बड़े खान साहब हैं, बड़े बड़े तबला वादक हैं जैसे जाकिर हुसैन साहब हैं, उनके बड़े बहुत खूबसूरत बाल हैं उनके, और दिखते भी वाकई बहुत खूबसूरत हैं वो, और कुर्ता पजामा में रहते हैं, और मतलब जब प्रोग्राम करते हैं तो कुछ एस्थेटिक्स हमको वैसे रखने भी चाहिए और कुछ ऐसे खास ज़रूरी भी नहीं है। जैसे बाल जो हैं, मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सबकी अपनी चॉइस होती है, कोई रखता है कोई नहीं रखता है, किसी को रखना अच्छा लगता है, किसी को रखना नहीं लगता है। बट ऑन अ होल अगर आप एक कलाकार को देखते हैं स्टेज पर जब वो बैठा होता है, तो बट ऑफकोर्स थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी कि जेस्चर्स के ऊपर जब मैंने बात करी थी, तब मैंने कहा था थोड़ा वीडियोजेनिक, जिसको हम कहते हैं फोटोजेनिक कि फोटो लायक, वैसे ही होता है वीडियोजेनिक कि वीडियो के लायक, कि दिखने में अच्छा लगे। तो उसमें क्या होता है कि जब एक स्टेज पर कलाकार बैठा है, तो अब जीन्स टी शर्ट में बैठ के वो क्लासिकल ख्याल गाएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा बनिस्बत की कुर्ता पजामा में। और कुर्ते पजामा भी ऐसे कोई फैंसी नहीं कि चमकदार धमकदार, ऐसे नहीं, सिंपल सोबर कुर्ते और सिंपल सोबर लुक वाला, है ना, जो एक थोड़ा क्लासी भी लगे और ऐसा भी नहीं लगे चीप है और बहुत ज़्यादा चमकदार है, इतना भी नहीं करना, ओवर भी नहीं करना। बालों का भी ऐसा ही कुछ है, सब अपने अपने हिसाब से रखते हैं। जैसे आप मेरे देख रहे हैं, मैंने बड़े रख रखे हैं, और कई कलाकार होंगे आपने जिनको देखा होगा जिनके उतने बड़े नहीं हैं, छोटे बाल भी रखते हैं, है ना, और कई रखते हैं कई, और कई कर्ली रखते हैं, कई स्ट्रेट रखते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो आप पर डिपेंड करता है, बट अच्छा लगता है, इससे एक लुक आता है, कलाकार का एक लुक आता है कुर्ता पजामा से। एंड यू नो, मेकअप, थोड़ा बहुत मेकअप भी रहता है क्योंकि लाइटिंग रहती है, तो लाइटिंग में ये थिएटर के कुछ बातें हैं, क्योंकि थिएटर यानी क्या, लोग आपको देखने आएंगे, ऑडियंस आपको देखने आएगी। तो जब आप एज एन आर्टिस्ट स्टेज पे बैठे हैं, ऑडियंस आपको देखने आ रही है, तो आप दिखने में अगर अच्छे लगेंगे तो ऑडियंस के सामने वो एक प्रोग्राम वाला फील आएगा, एक अच्छा लगेगा। वरना ये सारी चीज़ें एक कलाकार के लिए ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि एक कलाकार, ये समझ लीजिए, फ़कीर आदमी होता है,
अगर सच्चा कलाकार है तो उसे न तो कुछ चाहिए, न कपड़े ढंग के चाहिए, न बाल, न साज सज्जा, कुछ नहीं। मैंने ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं जिन पर ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, इतना डूबे रहते हैं वो इस विषय में कि उन्हें होश ही नहीं रहता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने कुछ खाया है या पिया है, है ना। तो ये मैं अगर दिव्यता की बात करूं तो इन सब का कोई मोल नहीं है। देखिए ये तो आडंबर हैं, आप सभी जानते हैं कपड़े कैसे पहने हैं आपने, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा, ये तो आडंबर हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टेज परफॉर्मेंस की बात करते हो, एक लुक वीडियो और दुनिया को दिखाना है, है ना, तो वो अगर थोड़ा बहुत दिखावे की बात करें तो उसके लिए ये एक अच्छी लगती है। बाल बढ़ाना, थोड़े अच्छे रखना, चेहरा खिल के आता है, हर किसी पे सूट भी नहीं करते हैं वैसे लंबे बाल, सबके अपने अपने होते हैं, तो कोशिश करके ट्राई करके देखना पड़ता है वो तो। और कपड़े कुर्ता वगैरह अच्छे पहनना थोड़े, है ना। वैसे तो देखिए हर प्रकार का संगीत का हर प्रकार का लुक होता है, तो अब शास्त्रीय संगीत का एक थोड़ा लुक है उसमें कुर्ता पजामा, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन है, तो हमारे ही संगीत जो है इंडियन ट्रेडिशन है, क्लासिकल म्यूजिक जो हम शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, तो इंडियन ट्रेडिशन है, तो कपड़े भी उसी अनुसार हो, लुक भी उसी अनुसार हो तो अच्छा लगता है, है ना। वगरना सबका अपना अपना चॉइस है। और अगर सच्चाई की बात करूं, सच्चे दिव्य कलाकार की बात करूं जो शास्त्रीय संगीत में डूबा हुआ है, तो वो फिर इन सब की चिंता नहीं करता है, वो ऑडियंस की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो फकीर फखर होता है, है ना, उसे किसी की कुछ नहीं पड़ी, वो कैसा दिख रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने, वो मानी नहीं रखता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी चर्चा है जो आप सब तक मुझे पहुँचानी थी कि बाल ज़रूरी हैं क्या, तो ज़रूरी तो नहीं है, मगर अच्छे लगेंगे अगर आप स्टेज पर रखते हो तो, है ना, वो आपकी चॉइस, ऐसा नहीं है कि बड़े बाल रखोगे तो ही अच्छे लगोगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ना, सब अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप, क्योंकि हम किसी को आइडल मान लेते हैं, भाई जाकिर साहब को हमने आइडल मान लिया, उनके बड़े बाल है, तो सारे तबले वाले लंबे लंबे बाल रखते हैं, अपने कर्ली हेयर्स रखते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है, अपनी कला पर ज़्यादा फोकस करें, ऐसा नहीं है कि आडंबर करने से आपकी कला निखर जाएगी, नहीं बिल्कुल, इनका असर कला पर नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं, कला जो है वो रियाज से, साधना से, गुरु की कृपा से, समर्पण से, उसी से आती है, इस सब से नहीं आती है, ठीक। तो बस देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभा वर्ल्ड के वीडियोज़ को, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आपके सवाल मैं हल करता रहूँगा। धन्यवाद।